एलटी टीचर भर्ती 2024 का एग्ज़ाम देने वाली सभी साथियों का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो में। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी साथियों तक शेयर कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि आप सभी के साथ ऐसा ही सेम हुआ है। क्या मजाक आयोग की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और बची खुची जो कसर है ना, वो स्कूलों ने, यानी कि जहाँ एग्ज़ाम था ना, एग्ज़ाम सेंटर ने पूरा कर दिया। ये पेपर है मेरे हाथ में भी। इस बार ये एग्ज़ाम 18 अगस्त 2024 को हुआ था। मैं भी पेपर देकर के आया हूँ, ये पेपर मेरे हाथ में है। क्या मजाक था, और कट ऑफ कितनी जाने वाली है वो बाद में बात करेंगे। उससे पहले भाई क्या नहीं होना चाहिए था, देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम जो है ना वो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक 2 घंटे का पेपर था। आमतौर पर लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो 1 घंटा पहले भाई वो मार्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। आप ये मान के चलिए कि OMR शीट और क्वेश्चन पेपर दो अलग अलग चीज़ें। अब आप क्वेश्चन पेपर भले सेम टाइम दो, वैसे तो क्वेश्चन पेपर भी 5-10 मिनट पहले मिल जाती है, 5 मिनट पहले, लेकिन उसे सील ओपन करने के लिए नहीं कहा जाता है ना भाई। क्वेश्चन पेपर छोड़ो, यहाँ तो OMR शीट भी 5 मिनट पहले, 5 से 7 मिनट पहले प्रोवाइड किया गया था। अब आपके स्कूलों में, आपके सेंटर में क्या हुआ था आप कमेंट में ज़रूर बताइए, साथ में अपने सेंटर भी बताइए। 5 से 7 मिनट पहले सिर्फ OMR शीट दी गई। भाई OMR शीट में ऐसा क्या है जो सिर्फ 5-10 मिनट पहले ही आयोग ने देने के लिए कहा था। आप ये देखो कि OMR शीट में बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होती है, हैंड रिटन लिखना होता है जो मैं प्रमाणित करता हूँ कि, साथ में रोल नंबर फिल करना होता है, आप जो है कई सारी मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। अब भाई ये फॉर्मेलिटी क्या 5 मिनट में पूरी हो जाएगी 5 से 7 मिनट पहले? अब आप मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम 10 मिनट मिले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्कूल में दिया हुआ था लगभग, क्योंकि बहुत सारे साथियों की भी ओपिनियन आए थे, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई ऐसे में क्या गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। हालांकि सभी साथी अनुभवी होते हैं, पढ़े लिखे, बट फिर भी हड़बड़ाहट में तो आधा घंटा पहले तो कम से कम OMR शीट को प्रोवाइड करवाना चाहिए था, चाहे आप क्वेश्चन पेपर सेम टाइम दे दो। उसके बाद जो भर्ती थी, टोटल पोस्ट थे वो थे 1544, यानी कि 1544 टोटल 1550 के लगभग। फॉर्म भरा 51,544, लगभब 52,000, 51,500। एग्ज़ाम दिया था लगभग 45,720, लगभग 46,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। सिर्फ 5800 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब 89% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। अब आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम किन्होंने नहीं दिया, मैं बताता हूँ। कई सारे साथियों ने क्या करा, दो दो फॉर्म भर दिए भाई, दो दो सब्जेक्ट के भर दिए भाई, अलग अलग डेट को होगा तो दोनों दे लेंगे, लेकिन एक ही डेट को एग्ज़ाम था इसलिए वो छूट गए, तो ही नहीं चलता। आप ये मान के चलेंगे कि अगर जो ये जिन्होंने दो दो एग्ज़ाम फॉर्म भरे, अगर वो एक एक ही फॉर्म भरते तो लगभग 100% अटेंडेंस होती। अच्छी बात है 100% अटेंडेंस होना, लेकिन ये दिखाता है कि उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। हमारे रूम में क्या था कि दो रूम को एक रूम बना दिया, मतलब एक रूम इधर से एक रूम इधर से, दोनों एग्ज़ाम ऐसे हुए थे, पूरे रूम में लगभग दो रूम को मिलाकर के एक रूम बना दिया है ना, बाहर अलाउड दो रूम करे थे, अंदर एक ही रूम था, वो दोनों को मिलाकर के 2 या 3 कैंडिडेट सिर्फ एब्सेंट थे। तो आप ये मान सकते हैं कि मतलब कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। दूसरी चीज़ है, सबसे पहले मैं आप लोगों के एक बार कमेंट आप शेयर कर लेता हूँ। आज़ाद सिंह ने लिखा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। भाई कोचिंग भी करते हो, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पढ़ाते एक भी सवाल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, कोचिंग सेंटर कुछ पढ़ाएंगे, बेकार है कोचिंग सेंटर भाई, इतना पैसा कोचिंग सेंटर में खर्च करना क्या मतलब है। दूसरा है कि मुकेश शर्मा ने लिखा है कि भाई घर बैठे रहे हैं अब बीएड वाले, उनका अधिकार डीएलएड ले चुके हैं, एलटी के पद तो ऊंट के मुंह में जीरा है। भाई जो एलटी में जो वैकेंसी निकली सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब थोड़े से, और वो भी इतने लंबे टाइम बाद। आर के गौंदे ने लिखा है कि आज का पेपर भाई पीसीएस से कम नहीं था। भाई सही में ये एलटी का पेपर बना रहे हो आप पीसीएस का? बहुत सारे कमेंट्स तो धोखा करके आया है। कपिल कोंडिया ने लिखा कि क्या कोर्ट का ऑप्शन है, तो भाई इतना मजाक चलेगा तो कोर्ट का ऑप्शन तो रह गई है ना भाई, कोर्ट से अपनी बात तो मनवानी पड़ेगी। तिलक राय ने लिखा कि UTSSC का महा मजाक महा धोखा ओनली पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। भाई कट ऑफ की क्या गुंजाइश है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। धनंजय ने लिखा कि साइंस में आउट ऑफ सिलेबस आया था। और हरपाल पवार ने लिखा है कि यदि इस तरह पेपर बनने लग जाएं तो देश के कोचिंग सेंटर तो बंद होने लग जाएंगे। भाई जब कोचिंग सेंटर वालों का भी एक्सपीरियंस काम नहीं आया तो सोचो
क्यों जाएगा कोई कोचिंग सेंटर, तो कोचिंग सेंटर बंद होने के कगार में ना आ जाए, इतने पैसे लोगों ने खर्च किए हैं। जितेंद्र नेगी ने कहा कि आयोग ऐसा ही यूके पीएससी से कुछ सीख लेनी चाहिए, पता नहीं सिलेबस क्यों दिया गया था। भाई सच बात तो ये है कि सिलेबस में जितना था ना, समझ नहीं आया वो था क्या भाई, सिलेबस क्यों दिया था। सिलेबस में लिखा था कि 50 नंबर का पहला पेपर होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, उस 50 नंबर में भी रीजनिंग होगी, उत्तराखंड की जीके वगैरह होगी एंड भारत इंडिया की जीके होगी, साथ में रीजनिंग होगी। भाई रीजनिंग देखोगे ना आप, रीजनिंग देखोगे तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए, सबसे पहले मैं रीजनिंग पे टूट पड़ा, लेकिन भाई कहाँ कौन सा किधर का रीजनिंग है कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और जो 10-15, 10-12 नंबर रीजनिंग के रहे होंगे ना, उसमें से भाई 2-4 नंबर आने मुश्किल है। हालांकि ये टाइम तो थोड़ा सा 10-12 के करीब किए थे, बट मतलब ये लगा लो आप हालत ख़राब थी रीजनिंग की, इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब, मुझे लगता 10-12 तो आए ही नहीं होंगे, कम ही रीजनिंग थी। उसके बाद देखोगे तो जो साइकोलॉजी था ना, साइकोलॉजी वाला पार्ट, भाई कहाँ से कैसे कैसे उठा पटक के सवाल पूछे थे। और जो सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में लिखा है, क्योंकि मैं ये पेपर जो दे के आया हूँ ये हिंदी का था, तो हिंदी में मैं बता गया हूँ, इतना बड़ा जो है बृहद मतलब टॉपिक है अलंकार का, एक भी सवाल अलंकार से नहीं पूछा गया। ऐसे ही जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, मतलब लंबा चौड़ा इतिहास है हिंदी साहित्य का, तो भाई कितने सवाल आए थे साहित्य से। हाँ उत्तराखंड के जो कवि वगैरह हैं, उनकी लेखक हैं, वो ज़्यादा आए थे, उत्तराखंड के कहावत आ गए, ऐसे ऐसे कहावत थे। एक सवाल ऐसा आया था हिंदी में, भाई चंद शब्द का अर्थ क्या है। भाई मैंने उस चंद शब्द के क्वेश्चन को, 1000 बंदे जुड़े हैं वो भी एक्सपर्ट हिंदी के, उसमें से कई सारे साथियों ने तो कहा वो चंद नहीं होगा छंद होगा, कईयों ने तो कहा कि भाई ये तो सवाल ही मतलब अजीब है, सवाल है ही नहीं यार। ऐसा पेपर बनाने का क्या मतलब है, समझ आ नहीं है कि आखिर आयोग डिपार्टमेंट चाहता क्या है। अब मैं आपको बता दूँ, लगभग हर ही सब सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का सेम था, सेम ऐसा ही था। तो अब जो 100 नंबर का पेपर है ना, इस बार क्योंकि मौका भी मिल गया था साथियों को, भाई पहले एग्ज़ाम लगभग 24-28 जून को था, लगभग जून से किसका के पूरा जुलाई का मौका मिल गया एंड लगभग आधे से ज़्यादा अगस्त का मौका मिल गया, तो 1.5 महीने का टाइम था। तो जिन्होंने अच्छी तैयारी की ना, लगभग चांस आप ये मान के चलिए, लेकिन भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आया ही नहीं, तो तैयारी भी फुस हो गई। तो अब जो लगभग जो एवरेज जो कट ऑफ जाने वाली है वो रहेगी 70-80 के बीच में। पीछे क्या था कि भाई 80 पार गए थे, बहुत सारे सब्जेक्ट में लगभग 80 पार थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जो है 70-80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका चांस बन रहा है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपके कितने लगभग मार्क्स आ रहे हैं वो नीचे कमेंट में बता दीजिए। बाकी क्या मजाक आपको लगा, और भाई आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ सवाल तो ऐसे थे कि जिनमें भाई वो सवाल ही नहीं थे, तो उनमें तो सबको बोनस मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर रखें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आयोग है जो विभाग है वो अपना जो भी गलती है उसे एक्सेप्ट करें और उसमें सुधार करें। जो क्वेश्चंस मतलब आउट ऑफ सिलेबस यानी कि जो सवाल ही नहीं थे, उनमें सबको बोनस मार्क्स दिए जाएं। धन्यवाद।